हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशंस पर। मेरा नाम है हेमंत कुमार। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं सोनी का ST RT 3 मॉडल नंबर है जिसका, और इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। इसमें साउंड की प्रॉब्लम है। एक बार इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, ये इसका नंबर है SAWRT 3। और तो इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। इसको जब आप ऑन करते हैं तो इसको ऑन कर लेंगे एक बार। देखिए जब ऑन होता है उसके बाद ये कुछ टाइम में हेलो लिखता है और उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से बटन से स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। देखिए ऑन हो गया है। अब हम इसमें कोई भी साउंड इनपुट देते हैं तो स्पीकर्स में हमारी कोई साउंड नहीं आती है। और यहाँ पर देखिए अगर हम किसी को भी चेक कराएंगे तो ये जो कनेक्टर्स हैं इन पर एक पे माइनस वोल्ट आ रही है और एक पे प्लस वोल्ट आ रही है। देखिए 14 वोल्ट आ रही है, ठीक है, जो कि नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आएगी वोल्टेज तो दोनों पर सेम वोल्टेज होनी चाहिए, दोनों पिन्स पर, इन दोनों पिन्स पर सेम वोल्टेज होनी चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें माइनस प्लस आ रही है तो हमारा स्पीकर ये ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इस टाइम कोई साउंड नहीं आ रही है किसी भी स्पीकर्स में, ना वूफर में, ना सराउंड में, ना फ्रंट में, ना किसी चैनल पर कोई साउंड नहीं आ रही है। और यहाँ हमारी वोल्टेज हमारी अलग अलग पिन पर अलग अलग वोल्टेज शो कर रही है। ठीक है, तो आज हम इसी फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इस सिस्टम को, वूफर को, हमेशा यहाँ से नीचे की साइड से, यहाँ पर से हमें उठाना है। ये नीचे की साइड से हम हल्का सा स्क्रू वगैरह लगा के ऊपर की तरफ उठाएंगे और साइड साइड से हम इसको खींचेंगे स्क्रू से, तो ये हमारा ऐसे गैप बन जाएगा और ये हमारा ऐसे आराम से निकल जाएगा, जिससे कि इसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएगी। इसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पर कनेक्टर्स हैं ये सब हमें रिमूव कर लेने, ठीक है, आराम से निकालना है। कोई पट्टा पिन वगैरह कोई टेढ़ी ना हो, डिस्कनेक्ट करने हैं आराम से। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पैनल डिस्कनेक्ट हो गया है इस पर। देखिए ये हमारा डिस्प्ले का केबल है, ये हमारा USB का केबल है। ठीक है, अब इस वूफर के अंदर से, हाँ, अगर हम वूफर हमारा कोई पेपर फटता है इसका तो हम यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं, पीछे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर जो बॉक्स है उसको निकालेंगे। यहाँ से हमें सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे 6 स्क्रू लगे हुए हैं, ये सब ओपन कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फ्लैप निकल आएगा, इसको हमें अलग हटा देना है और फिर इसको हमें इसको वायर को पकड़ के थोड़ा सा खींच लेना बाहर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स हमारा आराम से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे स्क्रू लगे होते हैं, ये ओपन कर लें। ये ओपन करने के बाद हमारा ये बोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हीट सिंक लगी हुई है, इसके अंदर हमारी एम्पलीफायर IC लगी हुई है, ये हमारी स्ट्रीम IC लगी हुई है, ये हमारी सप्लाई है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस वूफर को हम अलग हटा के देंगे, इसको हम अलग रख देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये बसता है और एक पैनल बसता है। तो मैं एक बार पैनल के कनेक्शन कर लेता हूँ। ये जो FFC केबल है ये हमें लगानी है वापस चेक करने के लिए। वापस कनेक्ट करनी है ताकि हम ऐसे ही ओपन में इसको चेक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी, जैसे बताया मैंने अभी, ये हमारी स्ट्रीम IC होती है। और यहाँ देखिए इसके पास जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली,
ये हमारी 47 ओम की एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इन सब पे डाटा का सिग्नल होना चाहिए हमारा। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आईसी हमारी किस तरह से काम करती है, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ एक बार आपको। देखिए ये इसकी आईसी है, इसकी देखिए 24, 25, 27, 11, 22 और 23 ये सिग्नल हमारे आने ज़रूरी हैं, तभी ये हमारी आईसी प्रॉपर काम करेगी। इसके बाद ये हमारी आउटपुट देगी भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारा डाटा का सिग्नल आता है, ऑडियो डाटा का, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर और फिर इस पर और फिर इस पर, ठीक है, और इससे हमारा आउट होता है। तो हम ये चेक करेंगे, दिखाता हूँ मैं कैसे डाटा का सिग्नल आता है। ये देखिए पहली पिन पे हम इस रेजिस्टेंस पर चेक करेंगे, ये देखिए हमारा डाटा का सिग्नल आ रहा है, ये देखिए इस तरह का आ रहा है, ये दूसरी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, एक तीसरी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, ठीक है, ये आता है, और फिर ये हमारा एक LRCK का सिग्नल होना चाहिए ये वाला, ठीक है, एक BCK का सिग्नल होता है, वो ये है, इस मीटर पे नहीं दिखा पाएगा, वो बड़े स्कोप पे दिखाता है, और एक यहाँ पर आता है SCL का, जो कि यहाँ पर देखिए सिग्नल नहीं आ रहा है इस रेजिस्टेंस पर। ये देखिए ये LRCK का सिग्नल आता है इस रेजिस्टेंस पर, इस पर आता है SCL का सिग्नल यहाँ पर हमारा नहीं शो हो रहा है, जो कि अगर डिजिटल मीटर से चेक करेंगे तो 1.5 वोल्ट दिखाएगा लगभग। यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होता है इस रेजिस्टेंस पर, और यहाँ चेक करेंगे हमारा ऑडियो आउट का सिग्नल है, यहाँ पर ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम कोई सिग्नल अगर नहीं देंगे, जैसे अगर हम ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट किया या एनालॉग नहीं कनेक्ट किया, कोई भी सिग्नल नहीं दिया हमने, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा सिग्नल्स में। वोल्टेज का कंफर्म नहीं, मैं तो इसमें चेक करता हूँ इसको ऊपर अपने। तो यहाँ पर सिग्नल जो 3 सिग्नल मैंने अभी चेक कराए, ये सिग्नल उसमें शो नहीं करेंगे जब तक इसमें हम इनपुट नहीं देते हैं। जब हम इनपुट दे देंगे तो हमारा ये इस तरह से सिग्नल शो करेगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो फॉल्ट है, हमारा ये जो SCL का सिग्नल है वो हमारा यहाँ शो नहीं कर रहा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ से वो दिखेगा। वाला देखिए 23 नंबर वाला जो पिन है इस IC की, 23 नंबर पिन पे जो है ये SCL का सिग्नल है, जो कि हमें यहाँ पर IC पे नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको देखेंगे ये आ कहाँ से रहा है। पेज नंबर 19 पर देखेंगे जाके, ये पेज नंबर 19 आ गए हम, यहाँ पर देखिए ये सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, ये सिग्नल है यहाँ पर देखिए SCL का जो सिग्नल है, ये हमारा मेन IC की 118 नंबर पिन से आउट होता है ये वाला, ठीक है, जो कि हमारा वहाँ भी कनेक्ट होता है। तो एक सीधे हम मेन IC से देखते हैं, एक ये भी IC है, ऑडियो EDC कन्वर्टर होता है, ऑडियो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का होता है ये IC, तो यहाँ से भी आउट होता है। मेन IC से हमारा ये आउट होना चाहिए, तो हम इस पर चेक करेंगे IC पे, 118 नंबर पिन देखते हैं हम इसको बोर्ड में देखते हैं। तो इस बोर्ड को हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर नीचे हमारी मेन IC लगी हुई है, उसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो इसकी ये मेन IC है, इसकी देखिए
ये वाली जो रेंज है ये हमारी 118 नंबर पिन की, इस पर हमारा सिग्नल आ रहा है, 1.6 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है और ये हमारा यहाँ से आउट नहीं हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से जीरो ओम की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, फ्यूजेबल हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, आउट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर है इस सिग्नल इस पर 1.6 का, लेकिन इस पर नहीं है। तो हमें इसको ही चेंज करके देखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ देखिए हमने रेजिस्टेंस हटाकर एक फ्यूज़ बना दिया है, जम्पर लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इसको चला कर देखते हैं एक बार, पैक करके चला कर देखते हैं। तो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, ये हमारा LRCK का सिग्नल आ रहा है और ये हमारा देखिए SCL का सिग्नल यहाँ पर आने लग गया है। LRCK के बगल वाली रेजिस्टेंस है जो SCL का सिग्नल आता है, ये हमारा इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आउटपुट भी सिग्नल आने लग गए हमारे सही। तो अब इसको अंदर हम ऑडियो देकर चलाकर चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे ऑडियो आ गई है। एक बार मैं इसका वो दिखाता हूँ सिग्नल, जब रनिंग में होता है तो किस तरह का सिग्नल होता है, ये देखिए ये सिग्नल कुछ लहराता हुआ दिखता हो इसमें पता चलता है। ये हमारे सारे सिग्नल आने लगे हैं, BCK के, LRCK का, SCL का, ये डाटा का है, ये भी डाटा का सिग्नल है, ये भी डाटा का सिग्नल है और इधर हमारा आउटपुट है, ये सब आने लग गया है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे स्पीकर पे आउट हो रहा है, स्पीकर की पिन पे देखिए, ये देखिए ये सभी स्पीकर हमारे चलने लग गए हैं, देखिए ये सभी स्पीकर्स हमारे काम करने लग गए हैं।